Hi guys, welcome to my channel. My name is Sanjay Berry and you're watching Explore with Berry. Thank you so much for tuning in. आज के वीडियो में बताऊंगा कि नैनीताल में वो कौन सी तीन जगह हैं जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है अगर आप नैनीताल घूम रहे हैं. उन जगहों पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा. तीन और जगहों के नाम बताऊंगा जहां आप विजिट कर सकते हो नैनीताल के अंदर, और नैनीताल के आसपास और कौन से लोकेशंस आप टच कर सकते हो अगर आप नैनीताल जा रहे हो. अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता करना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और अगर नए हो तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना. मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना लिया ताकि कोई भी लोकेशन हम मिस ना करें. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो लोकेशन है वो है नैनीताल का जो लेक है, जो कि मेन सेंटर नैनीताल में पड़ता है. और इस लेक के आसपास आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है बोटिंग. मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और इतनी बार वहाँ पर जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने बोटिंग नहीं की थी. जो मेरा पिछला ट्रिप था उसमें मैंने वोटिंग की है, तो उसका पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो आई बटन में लिंक आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हो. तो बोटिंग का सीन वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे आपको दो टाइप के चार्जेस पड़ते हैं, एक है 160 और दूसरा है 210. तो 160 में वो आपको हाफ राउंड घुमाएंगे एंड 210 में आपको फुल राउंड घुमाएंगे. वहाँ लेक के बीच में उन्होंने एक हॉलो ड्रम रखा हुआ है जिसके हिसाब से आपको बताते हैं कि जो आपका 160 वाला ट्रिप है उसमें वो आपको कहाँ तक लेके जाएंगे और 210 वाला ट्रिप जो है उसमें कहाँ तक लेके जाएंगे. हर एक बोट में वो तीन आदमियों को बैठाते हैं, दो एकदम कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, और एक वो बंदा जो आपकी बोट चलाएगा. तो बेस्ट एक्सपीरियंस बोटिंग का ये होता है कि आप जब सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. तो अगर आप सर्दियों के सीज़न में जा रहे हैं तो ध्यान रखना कि आपके पास प्रॉपर जैकेट या फिर शॉल वगैरह हो, वरना बीच में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है. ये मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है इस बार. और क्या कर सकते हैं आप लेक के आसपास, तो ये है स्पेशली नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए. अगर आप नैनीताल विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के मोमोज ज़रूर टेस्ट करना, और मोमोज के साथ वहाँ पे आपको जो मटन सूप मिलता है या चिकन सूप मिलता है वो भी ज़रूर ट्राई करना. बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होता है. एक शॉप जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो है चाइना टाउन. वहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो लेक के आसपास वो है शॉपिंग. और शॉपिंग के लिए वहाँ पे एक स्पेशल मार्केट है जिसे कहते हैं भूटिया मार्केट. वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे, स्पेशली जो आपके विंटर्स के क्लोथ्स होते हैं लाइक जैकेट, हुडीज एंड ऑल. कलेक्शन अच्छा होता है लेकिन प्राइस थोड़ा सा हाई होगा व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्लेन एरियाज लाइक हल्द्वानी या फिर दिल्ली. लेकिन अगर आप में बार्गेनिंग स्किल्स है तो थोड़ा बार्गेन आप कर सकते हो. आपके बजट में अगर वो क्लोथ आ रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप खरीद सकते हो. चौथी चीज़ जो लेक के आसपास है वो है एक टेम्पल जो है नैना देवी टेम्पल. एकदम लेक साइड में ही वो नैना देवी टेम्पल है, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. फिफ्थ है ठंडी सड़क. जैसे ही नैना देवी टेम्पल आप विजिट करोगे उसके राइट साइड में एक सड़क जा रही है जो कि मल्लीताल तलीताल को कनेक्ट करती है. लोग वहाँ से बाई वॉक भी जाते हैं, तो वो सड़क में आप एक वॉक लेके आ सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ठंडी सड़क में जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के एरिया से कम होता है, इसलिए वहाँ का नाम ठंडी सड़क है. जो सिक्स्थ चीज़ है वो है आप ट्रेडिशनल वे में वहाँ फोटोज़ खिंचा सकते हैं. जहाँ पे आप बोटिंग के लिए जाएंगे उसी के साइड में आपको दो तीन काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल पार्टी क्लोथ्स देंगे और आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, तो वो आप ट्राई कर सकते हो. जो लास्ट चीज़ आप कर सकते हो वो है मस्जिद विजिट कर सकते हो. बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अगर आप जाते हो तो मेरे लिए भी दुआ करके आना. अब जो दूसरी लोकेशन है नैनीताल में जो आप विजिट कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँ कि आपको करना ही चाहिए, वो है नैना पीक या फिर चाइना पीक जो उसका पुराना नाम था. नैना पीक एक ट्रैक है जो है 3 किलोमीटर्स का, और उसके लिए आपको लगेंगे लगभग 1.5 आवर्स. इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हो. इस ट्रैक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह जल्दी निकलें 10 बजे मैक्स. जैसे आपको पता है 1.5 आवर्स लगते हैं, तो आप ब्रेक ले लेके इस ट्रैक को आराम से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं. मैक्सिमम 2 घंटे में आप आराम से ऊपर पहुंच जाओगे. ये एक मीडियम लेवल का ट्रैक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगा मुझे. बस अपने पानी की बॉटल्स लेके जाना और कुछ खाने के लिए लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा होटल टाइप्स है जो कि आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है. वहां पे आपको मैगी चाय वगैरह मिल जाएगी, बट इट इज गुड टू कैरी योर बॉटल्स विद यू. इस ट्रैक से आपको नैनीताल लेक का टॉप मोस्ट व्यू दिखता है. आपने काफी मूवीज में देखा होगा, और मैंने भी खुद ये सोचा था कि ये व्यू कहां से दिखता है, तो पिछली वाली ट्रिप में ही मैं वहां पे गया था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. वहां से आपका और एक लोकेशन ऐड हो जाता है जो कि हिमालय व्यू. तो आपको हिमालय व्यू देखने के लिए अलग से नहीं जाना पड़ता. अगर आप नैना पीक ट्रैक ही कर रहे हैं तो वहीं से आपको बीच में या फिर जैसे आप नैना पीक पहुंचते हैं वहां से आपको हिमालय का व्यू भी
दिखता है। तो ये जो देखो वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी वो हम ट्रैक के बीच में थे, तो वहाँ पे हमें एक लोकेशन दिखी, और जो अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो यहाँ से हमें नैना पीक पे हिमालय का व्यू दिखा। तो आपका एक ट्रैक पे आप दो लोकेशंस का मज़ा ले सकते हो। जो तीसरी लोकेशन है, आई एम श्योर कि काफ़ी लोग उसे कॉमनली रिकमेंड नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आपको बहुत अच्छे लोकेशन चाहिए अपनी फोटोग्राफी के लिए, तो ये एक जगह है जहाँ आप जा सकते हैं जिसका नाम है हिमालय बोटैनिकल गार्डन। ये नारायण नगर के आसपास है, आई थिंक इसका टिकट 50 रुपीज़ के अराउंड होगा। अगर आप वहाँ पे शाम को जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सनसेट का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं नैनीताल के अंदर और कौन सी लोकेशंस है जो आप देख सकते हैं। उनमें से आता है एक वाटरफॉल, दूसरा सरिया ताल और तीसरा है खुरपा ताल। तो ये तीन जगह हैं जो आप विजिट कर सकते हो। अब देखते हैं कि नैनीताल के आसपास ऐसी कौन सी लोकेशंस है जहाँ पे आप जा सकते हो। ऐसी एक लोकेशन है, वो है भीमताल। तो भीमताल नैनीताल से सिर्फ एक घंटे का रास्ता होगा एंड आई गेस 20-25 किलोमीटर्स कुछ होगा, तो आप वहाँ जा सकते हो। और भीमताल भी एक लेक है जिसके बीच में एक थोड़ा सा आइलैंड है, तो वहाँ पे भी बोटिंग होती है, तो आप वो देख सकते हो। दूसरी लोकेशंस जो आसपास है वो है कैंचीधाम टेम्पल, जो कि नीम करोली बाबा का एक मंदिर है, जहाँ पे फेसबुक और एप्पल के सीईओ भी जा चुके हैं, तो आप भी वहाँ विजिट कर सकते हो। तीसरी लोकेशन है वो है मुक्तेश्वर, ये भी एक हिल स्टेशन है बहुत ही पॉपुलर। यहाँ पे भी स्नोफॉल होता है विंटर्स के टाइम पे। अगर आप समर के टाइम पे जा रहे हो तो आपको टेम्परेचर थोड़ा कम मिल जाएगा, तो यू कैन विजिट देयर इन समर्स एंड विंटर्स एज वेल। तो यही थे टॉप 3 लोकेशन जो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विजिट करें जब भी आप नैनीताल जा रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप नए हो और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। इन तीन लोकेशंस में से मैंने दो लोकेशंस को कवर किया है अपने व्लॉग्स में। अगर आप पसंद करते व्लॉग देखना तो ये लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय। सिक्स्थ चीज़ जो आप अपने